टटिया लगा दी थी, अंदर आराम कर रही थी। उत्तानपाद ने आवाज लगाई, सुनीति ने गजे के बाड़े खोलो, तो एकदम से सुनीति की आंखें खुली तो झांक करके देखा रात का समय, कैसे एकदम खोल दे। तो एक तो राजा और राजाओं का जो चेहरा होता था वो चंद्रमा के तरीके से चमकता था, क्योंकि राजवंश एक तो लिखा है हस्तरेखा में। अब चेहरा चंद्रमा के तरीके से चमक रहा है तो महारानी को ऐसा लगा सुनीति को कि चंद्रमा आया। अब वे बेचारे भूखे प्यासे बलबनाने ठाड़े, वे तो सोच रहे कितनी जल्दी दरवाजा खुले पानी पीवे को मिले। अब क्या हुआ तो एकदम से सुनीति ने समझा कि चंद्रमा आया है। तो सुनीति बोली क्या, अरे चंदा काहे को आयो, और मौसी गली बनी के पास में चंदा सुनीति बोली हमारे यहाँ क्यों आया, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अरे खाने को कुछ अन्न नहीं है, पीवन को ना पानी। अरे खाने को कुछ अन्न नहीं है, पीवन को ना पानी। बोली अरे चंद्रमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उत्तानपाद बोले अब ठीक, एक ने किवार ना खोले दूसरी बर राय रही, बताओ भाई चंद्रमा दिख रहा हुआ है ना, मुंह सूख के बिल्कुल कंडा जैसे होएगो, हम भाई चंद्रमा दिख रहे हैं। बोले अब तो ठीक है भगवान, किनको मुंह देख के चले थे सुबह रे। बोले अरे तुम्हो दिमाग खराब, हम तुम्हारे पति है उत्तानपाद। बाबूली उत्तानपाद पति तो नहीं हो सकते तुम, आधी रात